गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एजाइल और वाटरफॉल मेथोडोलॉजी के बारे में, जो कि टेस्टिंग में यूज होती है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स डू द इंट्रो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है और क्या काम आती है? एजाइल मेथोडोलॉजी का मतलब है कि प्रैक्टिस जो प्रमोट करती है कंटिन्यूस एट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होता रहे, रुके नहीं। तो इसको अच्छे से समझेंगे, होता क्या है कि SDLC एक चीज़ होती है। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है बनने की, उसे बोलते हैं हम SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एजाइल मॉडल में क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, कि डेवलपमेंट भी चलेगा साथ में, आपका टेस्टिंग भी चलेगी साथ में, मतलब कि एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है और एक तरफ टेस्टिंग हो रही है। कुल मिला के कहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल पूरा हुआ, फिर आपने टेस्टिंग करी, फिर दूसरा मॉड्यूल पूरा, फिर टेस्टिंग करी, तो ये एक तरीके से एजाइल हो गया, ठीक है। जबकि वाटरफॉल में कुछ अलग होता है, तो पहले एजाइल समझ लेते हैं पूरा, फिर वाटरफॉल समझाऊंगा, ठीक है। एजाइल में होता क्या है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी is one of the simplest and effective process to turn a vision for a business need into software solution. जो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मेथड है वो एक सबसे सिंपल और सबसे असरदार तरीका है किसी भी बिजनेस के आइडिया को सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन में तब्दील करने का, है ना। एजाइल एक टर्म है जो यूज करी जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि हमारी टीम भी इम्प्रूव हो, है ना, हमारा जो डेवलपमेंट हो सॉफ्टवेयर का वो भी अच्छा हो और जल्दी हो, तो इसलिए हम लोग एजाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंकरेज करता है फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्स टू द चेंजेस, मतलब जैसे ही कोई चेंज आएगा तो उसको तुरंत सही किया जाएगा, क्योंकि हमने जल्दी ढूंढ लिया, तो डिलीवरी से पहले हम हर बग को फाइंड करके और उसका सॉल्यूशन कर देंगे। कुछ कोर वैल्यू होती है एजाइल की, वो क्या होती है, इंडिविजुअल एंड टीम इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स, ठीक है। इंडिविजुअल का और टीम का इंटरेक्शन होता है प्रोसेस से भी और टूल से भी, ठीक है। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है हर किसी वर्किंग सॉफ्टवेयर का। कस्टमर कोलाबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कस्टमर के साथ कोलाबोरेट करती है कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि किस तरीके से काम करेगा और क्या चीज़ें फिजिबिलिटी है किस सॉफ्टवेयर में और किस सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ की फिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। रेस्पोंडिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, चेंजेस को रेस्पॉन्ड करते हैं एक प्लान बना के एजाइल के अंदर। ये तो एजाइल हो गया, आप चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। भाई वाटरफॉल क्या है, द वाटरफॉल मॉडल वॉज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस। वाटरफॉल मॉडल पहला प्रोसेस मॉडल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनियों में टेस्टिंग के लिए, या हम इसको बोल सकते हैं लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी, LSLCM। आप ध्यान रखें, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है और यूज़ करने के लिए और अंडरस्टैंड समझने के लिए, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, हर एक फेज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी। उससे क्या होता है, बग्स जो होते हैं ओवरलैप हो जाते हैं और सही से काम नहीं कर पाते, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल जो है एक अर्लीस्ट SDLC अप्रोच था जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज हुआ था, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल इलस्ट्रेट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो में। अभी लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो है क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो वाटरफॉल मॉडल का। स्टेप्स कुछ ऐसे हैं कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर सिस्टम डिजाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर डिप्लॉयमेंट होगा और फिर वापस मेंटेनेंस होगा। समझिए, रिक्वायरमेंट आई, उसका एनालिसिस हो गया कि हाँ हमको ये तीन चीज़ें या चार चीज़ें चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन करा हमने कि किस तरीके से काम करेंगी चीज़ें। उसके बाद उस सिस्टम डिज़ाइन को हमने इम्प्लीमेंट किया कोडिंग के अंदर, कोड बन गया, कोड तैयार है, अब उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग हुआ, बग निकला, उसको सॉल्व किया, फिर उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया। डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ चीज़ होती है तो मेंटेनेंस में जाती है, उसके लिए भी वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, मतलब मेंटेनेंस के अंदर और क्या चाहिए आपको। अगर कोई चीज़ नहीं जुड़वाना चाहता है क्लाइंट, या कोई चीज़ निकलवाना चाहता है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ काम कराना चाहता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस होकर वो मेंटेनेंस में जाएगा।
इसमें होता क्या है, रिक्वायरमेंट हो जाएगी, सिस्टम डिजाइन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद में जाके टेस्टिंग होगी। बट एजाइल में क्या होता है, एजाइल में ये होता है कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, उसके बाद सिस्टम डिजाइन हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, बग निकला सॉल्व करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा सा, फिर टेस्ट करेंगे, फिर बग निकला सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू एंड बाय बाय।